हमें क्या पढ़ाया गया, दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार कौन? शेक्सपियर। क्योंकि आप लोग श्री वेंकटाध्वारी के बारे में जानते ही नहीं। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम राघव यादवियम है। अगर आप इस किताब को सीधा पढ़ेंगे तो आप राघव यानी कि राम जी की लीला का वर्णन करेंगे, और उसी श्लोक को अगर उल्टा पढ़ेंगे तो आप यादवियम यानी कि कृष्ण जी की लीला का वर्णन करेंगे। कोई सोच भी सकता है वेस्ट का साहित्यकार या लेखक इतनी गहन बात? मैं आपको इस रचयिता का एक श्लोक सुनाता हूँ। वंदे देवंतरशिंत रंतार काल भासम यह रामू रामा धीरा पाग्यो लीला मारा योद्धा वासे। अर्थात मैं उस भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी अपनी अर्धांगनी माता सीता के लिए इतनी कठिन परिश्रम की और लंका तक गए, रावण का वध किया और उनको जीत कर वापस लाए। अब इसी श्लोक को आप उल्टा पढ़ेंगे तो आएगा सेवा धेयो रामालाली गोप्या राधी भारामोरा यश्या भलंकारम तारम तर्षितम वंदे देव। अर्थात मैं रुक्मणी और गोपियों के सदा ही पूज्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो कि वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ सदा ही विराजमान है। ये होता है साहित्य का बल, ये होता है लिटरेचर का विज्ञान जो कि वेस्ट वाले कभी नहीं पाएंगे जहां पर हम थे। इसलिए मैं अपने सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।